दोस्तों आज हम बात करेंगे साल 1973 में रिलीज हुई म्यूजिकल एक्शन ड्रामा मसाला फिल्म यादों की बारात की रीमेक के बारे में। इस फैन मेड वीडियो का सुझाव हमें हमारे कई सारे सब्सक्राइबर्स ने दिए हैं। क्या होगा अगर 70 के दशक में बनी सुपरहिट फिल्म यादों की बारात की रीमेक आज के जमाने में बनेगी तो कौन होंगे वो कलाकार जो इस फिल्म में मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। इन सभी बातों और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलिएगा। इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था नासिर हुसैन ने। ये फिल्म जानी जाती है ट्रेंडी कलरफुल कपड़े, हार्ड हिटिंग डायलॉग्स और लार्जर देन लाइफ सेट्स के लिए। इस फिल्म की कहानी लिखी थी सलीम जावेद और नासिर हुसैन ने। फिल्म का म्यूजिक दिया था म्यूजिक डायरेक्टर आरडी बर्मन ने। फिल्म के कई गाने काफी पॉपुलर हुए थे। दोस्तों इस फिल्म में मुख्य किरदारों में नजर आए थे धर्मेंद्र शंकर के किरदार में, जीनत अमान सुनीता के किरदार में, विजय अरोरा विजय के किरदार में, तारिक खान रतन आका मंटो के किरदार में, आमिर खान यंग रतन के किरदार में, अजीत खान शाकाल के किरदार में और अशु शंकर विजय और मोंटो की मां के किरदार में। इस फिल्म की कहानी तीन ऐसे बिछड़े भाइयों की है जिनके माता पिता को कुछ गुंडे मार देते हैं और कई वर्ष बाद एक ऐसा गाना जो बचपन में वे गाते थे उन्हें मिलाता है, जिसके बाद तीनों मिलकर उन बदमाशों से अपने माता पिता की मौत का बदला लेते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इस फिल्म से 8 वर्ष वाले आमिर खान ने अपना एक्टिंग का डेब्यू किया था। फिल्म में उन्होंने नन्हे रतन का किरदार निभाया था। गाना यादों की बारात तीन भाइयों पर फिल्माया गया था, लेकिन इस गाने को तीन लड़कियों ने गाया था। तारिक ने इस फिल्म में एक गिटारिस्ट और गायक का किरदार निभाया था और वे इस किरदार से काफी पॉपुलर हुए थे। इसके बाद उन्होंने अगले कुछ फिल्मों में कुछ ऐसे ही किरदार निभाए थे। फिल्म में विजय अरोरा द्वारा निभाए गए किरदार के लिए अमिताभ बच्चन नासिर की पहली पसंद थे, लेकिन उन दिनों विजय काफी पॉपुलर एक्टर थे और इस फिल्म के प्रोड्यूसर ये चाहते थे कि वे इस किरदार को निभाए, लेकिन अमिताभ बच्चन फिल्म जंजीर से काफी पॉपुलर हुए और नासिर साहब उन प्रोड्यूसर से काफी नाराज हुए, जिसके बाद प्रोड्यूसर्स ने अपना फैसला बदलने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और फिल्म का मेजर पोर्शन शूट हो चुका था। फिल्म यादों की बारात और जंजीर फिल्म की शुरुआती कहानी एक जैसी है और दोनों फिल्मों में अजीत का किरदार एक जैसा है जिन्हें काफी सराहा गया। शिल्पा शेट्टी के पिता सुरेंद्र शेट्टी ने इस फिल्म में एक छोटा सा किरदार निभाया था, जिसके बाद वे फिल्म में छोड़ पायलट बन गए। इस फिल्म में नीतू सिंह ने गाने लेकर हम दीवाना दिल में एक कैमियो रोल निभाया था, जिसे ऑडियंस ने काफी पसंद किया, जिसके बाद उन्हें कई सारे फिल्मों के ऑफर आए थे। तो ये थे इस फिल्म के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों हम ये मानते हैं कि अगर इस फिल्म की रीमेक बनेगी तो इस फिल्म में शंकर का किरदार निभा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आमिर खान, क्योंकि आमिर खान इस इंटेंस रोल में कमाल नजर आएंगे। वहीं विजय का किरदार निभा सकते हैं कमाल के अभिनेता रणबीर कपूर। रतन का किरदार निभा सकते हैं टाइगर श्रॉफ, क्योंकि टाइगर एक डांसिंग सुपरस्टार है और जो इस किरदार में सही रहेंगे। सुनीता का किरदार निभा सकती है चुलबुली अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह। वहीं शाकाल का किरदार निभा सकते हैं डायनामिक अमिताभ बच्चन, जो इस किरदार को एक अलग डेफिनेशन दे सकते हैं। ये सभी एक्टर्स आज के दौर में इन सभी किरदारों को बेहतरीन तरीके से निभाने की क्षमता रखते हैं। फिल्म की कहानी को आज के जमाने से मेल खाने के लिए एक आधुनिक टच दिया जा सकता है। साथ इस फिल्म में ओरिजिनल फिल्म के कुछ गाने की रीमिक्स को भी सुना जा सकता है। आप क्या लगता है दोस्तों, इस फिल्म की रीमेक हिट होगी या फ्लॉप? और अगर आप किसी फिल्म की रीमेक या सीक्वल देखना चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आपके विचार और सुझाव जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। दोस्तों इसके अलावा भी यूआर बॉलीवुड के पास आपके लिए बहुत कुछ है। ऊपर दिए गए बॉक्स को दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखें। नीचे दिए गए बॉक्स को दबाने से आप वो वीडियोस देख पाएंगे जो यूट्यूब समझता है कि आपको देखना चाहिए। बगल में दिए गए गोल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।